3 tricks to actually solve any competency based question. Trick जो आपको follow करना है और वो ये है, आपको competency based questions होता क्या है वो समझना है। तो trick number 2 की जो आपको follow करनी है और वो बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है समझ लेने के बाद है नंबर 3 की। तो जैसा मैंने कहा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पूरे जोर दोर से, बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है। हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजर वेदांत। तो कैसी चल रही है बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरो शेरियों। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ और वो है 3 ट्रिक्स टू एक्चुअली सॉल्व एनी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, एमसीक्यू हो, या तो एसेशन रीजनिंग हो या केस बेस्ड क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए हमने हर सब्जेक्ट के, चाहे वो साइंस हो, बेसिक मैथ्स हो, स्टैंडर्ड मैथ्स हो, SST हो, इंग्लिश हो, हिंदी पेपर ए हो या पेपर बी हो, सबके प्रैक्टिस पेपर्स विद 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड इन द लेटेस्ट CBSE फॉर्मेट अलॉन्ग विद PDF सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए बना के रखे हुए हैं। उसका एक सिंपल सा लिंक हमने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाइए क्लिक करिए, फ्री में ले जाइए, कोई पैसे नहीं चाहिए भाई। अब आगे बढ़ते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला ट्रिक जो आपको फॉलो करना है और वो ये है, आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होता क्या है वो समझना है। अब होता क्या है ये भाई, इसको ध्यान से समझिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जो आप रट्टा मारकर नहीं लिख सकते हो या याद करके नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इनमें आपको चीज़ों को, सॉल्यूशन को डिराइव करना होता है, कॉन्सेप्ट को डीपली समझना होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करके या तो जनरली सवालों को सॉल्व करके आपका हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है हर एक टॉपिक का। इसके लिए आप या तो NCERT को ध्यान से पढ़िए, या तो फिर हमारे या तो बाकी चैनल्स के वन शॉट्स को पूरे ध्यान से देखिए, मैराथन्स को ध्यान से देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इन डीप बेहतर हो जाए। और अगर आपका कॉन्सेप्ट इन डेप्थ में अच्छा है तो आपके कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आराम से निकल जाएंगे, आपको बहुत ईजी लगेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को याद कर लेने से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं। जहां पर 50% आपका पेपर कॉम्पिटेंस का बनने वाला है, 40 मार्क्स का, CBSE ऐसे ही आपको 40 मार्क्स नहीं दे देंगे। आपको याद रखना है कि आपको 30 भी मिल जाएगा, लेकिन आखिरी जो 10 मार्क्स होगा उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अपने आप को दिमाग लगाने के काबिल बनाएं, और मेरे को पूरा यकीन है कि आप बना सकते हो और आप में ये काबिलियत पूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की जो आपको फॉलो करनी है, और वो बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है समझ लेने के बाद आपको करनी है उसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस भाई साहब। ठीक है, प्रैक्टिस देखो, एसेशन रीजनिंग की अकेले में करनी है, क्योंकि एसेशन रीजनिंग का तरीका अलग होता है करने का, MCQ अलग में करनी है, उनका होता है तरीका अलग, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अलग तरीका होता है, केस बेस्ड क्वेश्चंस को करने का अलग तरीका होता है। अब फॉर्चुनेटली हमने हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपनी अपनी सीरीज बना दी है, चैप्टर बाई चैप्टर, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। आपको सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करना है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिसिटी एसेशन रीजनिंग, इलेक्ट्रिसिटी केस बेस्ड क्वेश्चंस, अभिषेक सर वेदांतु, ऐसे हमारे चैनल पर वेदांतु लिखकर आपको सर्च कर लेना, आपको यूट्यूब पर सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आपको इतना नहीं ढूंढना है तो सिंपल सी बात है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सेशन नोट्स और वीडियोस का एक लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक शीट खुल जाएगी जहां पर हमारे सारे सीरीज के वीडियो लिंक्स और उसके PDFs आपके सामने मिल जाएंगे नोट्स। ठीक है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, जाइए एंजॉय करिए और फोड़िए। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो जैसा मैंने कहा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पूरे जोर दोर से, बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में मैंने एक चीज देखी है, प्रैक्टिस के दौरान जब भी मैं सेशंस में सवाल करवाता हूँ, एक चीज है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं और वो है इंग्लिश में। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद आगे क्या करना है समझ नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन आप पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सवाल एसेशन रीजनिंग का होता है स्पेशली, तो उसको समझने में खटिया खड़ी हो जाती है भाई साहब, है ना। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताना मेरे को चैट में। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिस के दौरान आप अपने इंग्लिश को सुधारते रहिए, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे हमारे प्रैक्टिस पेपर्स में है, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो आप। लेकिन आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है बेटा, especially एसेशन रीजनिंग को लेकर। तो जितने वैरायटी ऑफ एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस आप करोगे, जितने वैरायटी ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चंस आप करोगे, आपका उतना ही अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बनेगा, पढ़ाई रीडिंग स्किल बनेगा पढ़ने का, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए बोर्ड एग्जामिनेशन में। जब ये बात ऑब्जेक्टिव MCQ सवालों की होती है या तो फिर सब्जेक्टिव सवालों की होती है, उसमें दिक्कत नहीं होती, वो डायरेक्ट होते हैं, उनको ज़्यादा घुमाए फिराया नहीं जा सकता। लेकिन एसेशन रीजनिंग को बहुत घुमाए फिराया जा सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन को भी बहुत घुमाए फिराया जा सकता है। तो उसमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है,
तो इसी वजह से जब बोर्ड एग्जामिनेशन लिखने के लिए आप जाओगे तो एक ही बार सवाल पढ़कर छोड़ मत देना, बार 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 सवालों को पढ़ना, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन का छूट ना जाए और गलत जवाब ना आप चूज कर लो। अगर आपने भी यही गलतियां की हैं जहां पर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर इस वीडियो में 300 कमेंट हो जाते हैं विद इन 24 आवर्स तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि एसेशन रीजनिंग या तो केस बेस्ड क्वेश्चन या तो ऐसे किसी भी सवालों को कैसे पढ़ना होता है और कैसे समझना होता है सवालों को, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर करवाऊंगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है बेटा, तो वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस, सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ मैं आता रहूंगा आपके सामने। अंडर दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। थैंक्स।